आज है 21 अगस्त 2021, और 21 अगस्त 2021 से करेंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, और हर क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। वीडियो के अंत में आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो की PDF आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी। डेली क्विज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें तथा इसका ऑडियो सुनने के लिए हमें खबरी पर फॉलो करें। सभी लिंकों को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जोया अग्रवाल। जोया अग्रवाल को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। भारतीय सेना ने 400 किलोमीटर जज्बा ए तिरंगा रिले मैराथन का आयोजन कहाँ किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में सेना ने 400 किलोमीटर जज्बा ए तिरंगा रिले मैराथन का आयोजन किया है। नियंत्रण रेखा पर भारतीय तिरंगे को लेकर 300 से अधिक सैनिक ने भाग लिया। इस दौड़ में सैनिकों में भाईचारे की भावना को जगाया। जम्मू कश्मीर के बारे में जानकारी, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, यह पहले राज्य था लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू शीतकालीन और श्रीनगर ग्रीष्मकालीन है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल है। जम्मू कश्मीर की प्रमुख झील है डल झील, नागिन झील, गाड़सार झील इत्यादि। जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य भाड़ जश्न, डमडल, कुंद, बच्चा नगमा इत्यादि। जम्मू कश्मीर के प्रमुख मंदिर श्री माता वैष्णो देवी मंदिर कटारा, अमरनाथ मंदिर पहलगाम। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड प्रशिक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार सहनपुर के देवबंद से आतंकवाद निरोधी दस्ते कमांडो के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगी। उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यहाँ के गवर्नर आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिनेत्री को जियो मामी फिल्म महोत्सव का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रियंका चोपड़ा। दीपिका पादुकोण के पद से हटने के लगभग 4 महीने बाद अभिनेत्री निर्माता प्रियंका चोपड़ा जोनस को जियो मामी फिल्म महोत्सव के अध्यक्ष के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल में एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, PR श्रीजेश। केरल में एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर PR श्रीजेश बने हैं। ओलंपिक PR श्रीजेश को केरल में एडवेंचर टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। केरल के बारे में जानकारी, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। केरल के मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार है। केरल के दो पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक है। केरल के राजकीय पशु हाथी। केरल के प्रमुख हवाई अड्डे कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। केरल के राष्ट्रीय उद्यान पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, साइंड वैली राष्ट्रीय उद्यान इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप किस देश में आयोजित हुई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केन्या। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 18 से 22 अगस्त तक केन्या की राजधानी नैरोबी में आयोजित की गई है। केन्या देश के बारे में जानकारी, केन्या अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। केन्या की राजधानी नैरोबी है। केन्या की करेंसी किनीरियन शिलिंग है। यहाँ के राष्ट्रपति उहुरु केन्यात्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA की परीक्षा में महिला उम्मीदवार भी शामिल हो सकेंगी, तो बताइए NDA का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, खड़कवासला महाराष्ट्र। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA की परीक्षा में महिला उम्मीदवार भी शामिल हो सकेंगी,
और एनडीए का मुख्यालय खड़कवासला महाराष्ट्र में स्थित है। एनडीए के बारे में जानकारी, इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, इंग्लिश में नेशनल डिफेंस एकेडमी। आदर्श वाक्य सेवा परमो धर्म। इसकी स्थापना 7 दिसंबर 1954 को हुई थी। मुख्यालय खड़कवासला महाराष्ट्र में है। कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल असित मिस्त्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल के सुपरस्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने बार्सिलोना फुटबॉल क्लब को छोड़कर कौन सा फुटबॉल क्लब में शामिल हुए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पेरिस सेंट जर्मेन। लियोन मेसी अर्जेंटीना देश के हैं। लियोन मेसी किस साल के बाद बार्सिलोना, जहां उन्होंने शुरू किया था, छोड़ने के बाद पेरिस सेंट जर्मेन में शामिल हो गए हैं? फीफा के बारे में जानकारी, इसका फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को फीफा रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष जियोनी इन्फेंटिनो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, UNWGIC शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कौन सा देश करेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भारत। UNWGIC इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियोस्पेक्टिकल इंफॉर्मेशन कांग्रेस। दूसरा, UNWGIC शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन अक्टूबर 2022 में हैदराबाद में किया जाएगा। पहला शिखर सम्मेलन 2018 में चीन में आयोजित हुआ था। टॉप शिखर सम्मेलन 16वें फिक्की उच्च शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन रमेश पोखरियाल निशंक ने किया है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2021 में भारत की तरफ से अध्यक्षता नरेंद्र मोदी ने की है। विश्व शहर सांस्कृतिक मंच 2021 सम्मेलन की अध्यक्षता इंग्लैंड देश में की है। 47वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता इंग्लैंड देश करेगा। मर्चेंट डिजिटाइजेशन सम्मेलन 2021 की मेजबानी भारत विक्की बेटर देन केस एयरलाइंस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की तरफ से किसने 5वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पीयूष गोयल। ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक समूह के तौर पर एक साथ काम करने, एक दूसरों की शक्तियों के पूरक बनने, सर्वोत्तम प्रचलन साझा करने, कमजोरियों से सीखने और 2030 के सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ने की प्रतिबद्धता के साथ संपन्न हुई। ब्रिक्स ब्रिक्स के बारे में जानकारी, ब्रिक्स 5 देशों का समूह है। पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद ही इसका नाम ब्रिक्स बदल गया। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। मुख्यालय शंघाई चीन में है। ब्रिक्स देश के सदस्य देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन जून 2009 में हुआ था। ब्रिक्स 2020 सम्मेलन के 12वें संस्करण की अध्यक्षता रूस देश ने की है। ब्रिक्स देशों की जनसंख्या दुनिया की आबादी का लगभग 40% है। ब्रिक्स देशों के बैंक का नाम न्यू डेवलपमेंट बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मानवतावादी दिवस 2021 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 19 अगस्त। विश्व मानवतावादी दिवस हर साल 19 अगस्त को मानवीय कर्मियों और उन श्रमिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने मानवीय सेवा करते हुए अपनी जान गंवाई या अपनी जान जोखिम में डाली। 2021 में 12वां विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया। इसकी थीम थी द ह्यूमन रेस। अगस्त महीने में कुछ इंपोर्टेंट डे हैं फ्रेंड्स, जिनको मैं आपको रिविजन करा दे रहा हूँ। कॉम्पिटिशन एग्जाम के पर्पज से बहुत महत्वपूर्ण है। 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है। 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिन मनाया जाता है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त को विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। 14 अगस्त को पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 16 अगस्त को बेनिंगटन युद्ध दिवस मनाया जाता है।
17 अगस्त को इंडोनेशियाई स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 30 अगस्त को लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। 31 अगस्त को मलेशिया राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह क्वेश्चन आपके लिए है फ्रेंड्स, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। एमवे इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा फ्रेंड्स। और जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे वो रेंडमली सिलेक्ट होने पर जीत सकते हैं हमारे चैनल की तरफ से शानदार गिफ्ट। तो फटाफट से लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, और साथ ही इस वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ और फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, हमारे चैनल गूगल सर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि डेली करेंट अफेयर्स की वीडियो आपको रोजाना आपके मोबाइल पर मिल जाएगी।